नमस्कार दोस्तों, नॉलेज की चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हो कि 43वीं ई नीलामी इस बार 22 जनवरी से होने जा रही है, पर इसका बेनिफिट, इसका फायदा हर डीडी फ्री डिश यूजर को नहीं है। ये नीलामी सिर्फ जो 43वीं MP4 बॉक्स के लिए होने जा रही है, इसमें 2 वालों को कोई बेनिफिट नहीं होगा, पर 2 MP2 वालों को भी कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। उनको भी हम बताएंगे कि बहुत सारे मनोरंजन के चैनल, नए चैनल जो आने हैं उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले हम आपको कुछ और बताना चाहते हैं, जो चैनल एक साल पहले यहां से गए उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको देंगे। आप और हम सब जानते हैं कि 31 जनवरी के बाद यहां से डीडी फ्री डिश सेटअप बॉक्स से बहुत सारे चैनल जैसे स्टार के, सोनी के, जी के और भी कई सारे चैनल यहां से हटाए गए थे, पर आज के टाइम में उन चैनलों का हाल भी अच्छा नहीं चल रहा है। जैसे कि कोई प्रजाति लुप्त हो जाती है, वैसे ही बिल्कुल इन चैनलों की TRP लुप्त होने पर आ गई है। बिल्कुल भी TRP नहीं है इनके चैनलों पर। स्टार, सोनी, जी के जो डीडी फ्री डिश से निकाले गए थे, चाहे वो जी अनमोल हो, चाहे वो सोनी पल हो, चाहे वो स्टार उत्सव हो, और भी जितने भी चैनल थे, इन सब को हटाने के बाद इन पर दर्शक ही नहीं है। इन चैनलों के पास कोई व्यूज नहीं आ रहे हैं, कोई ज्यादा नहीं आ रहे हैं, ना ही लोगों ने कुछ खरीदे हैं ये चैनल। अब इसी को देखते हुए, जैसे कि डीडी फ्री डिश, हमने आपको बताया था कि डीडी फ्री डिश पर हमने आपको 20 दिन पहले बता दिया था कि 43वीं ई नीलामी में आपको कुछ ज्यादा मनोरंजन नहीं मिलेगा देखने को, ज्यादा चैनल नहीं मिलेंगे। वैसा ही हुआ, MP2 वालों के लिए कोई फायदा नहीं हुआ, 4 वालों के लिए फायदा होगा, पर पता नहीं इतना वो भी कितने चैनल देंगे। अब ये जो नीलामी कराने वाली संस्था है, इसका भी टाइम पीरियड यानी कि इसका एग्रीमेंट खत्म होने को है 31 मार्च को, यानी कि 1 अप्रैल से जो अगली नीलामी होगी कोई और करवाएगी या कोई ना ही करवाए, सीधा ही चैनलों को यहां पर जगह दे दी जाए, नए स्लॉट के साथ बहुत सारे चैनल दिए जाए, और उन्हीं में से जी, स्टार, सोनी जो चैनल गए हैं इनकी वापसी होने की अब उम्मीद है, क्योंकि एक साल का इन्होंने अपना निकाल कर देख लिया डाटा TRP का भी। हमारी TRP नीचे गिरती जा रही है यहां से, जब से यहां से हटाए हैं। अब दूसरी तरफ एक और चीज देखिए, जैसे ही इन्होंने 19 रुपए वाले दाम जो पेड चैनल है, उन्होंने 19 से 12 रुपए अब करने पड़ेंगे, वो भी 1 मार्च थे, उससे भी छोटे चैनलों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जिसने देखने होंगे, बड़े चैनलों को ही देखेगा, पर उन बड़े चैनलों का दाम भी अब 12 रुपए रह गया है। जो पहले पैक में चैनल डाल देते थे, जैसे स्टार वाले, सोनी वाले, जी वाले, कलर वाले, अपने पैक में चैनल डाल देते थे, जो सस्ते वाले होते थे, कोई नहीं देखता था जिनको, उनको पैक में डालकर देते थे, पर अब पैक कोई खरीदेगा ही नहीं। नॉर्मल जैसे मैं हूं, आप हो, हमने 3-4 चैनल में देख लेते हैं, जैसे एक स्टार का अगर हम सीरियल देखते हैं, एक स्टार पर सीरियल देखते होंगे, स्टार प्लस पर, एक सोनी एंटरटेनमेंट पे, या सब पर, या एक GTV देखते होंगे, तो हम तीनों आसानी से अब ले सकते हैं, क्योंकि 12-12 रुपए के तो चैनल है, 36 रुपए के अगर 3 चैनल भी ले, 36 रुपए के हुए, टैक्स डालकर ये 40-42 रुपए के करीब बनेंगे। तो छोटे चैनल जो 50 पैसे 1 रुपए वाले हैं, वो अब खत्म होने की कगार पर आ जाएंगे, इसीलिए इन चैनलों को अब डीडी फ्री डिश पर दिया जाएगा, आप और हम को देखने के लिए डीडी फ्री डिश पर, क्योंकि डीडी फ्री डिश भी अपने स्लॉट और नए चैनल बढ़ाने की तैयारी कर रहा है 1 अप्रैल से। ये हमें सभी चैनल पुराने जो निकल गए थे, एक साल के बाद ही हमें फिर वही डीडी फ्री डिश पर देखने को मिलेंगे, जल्दी ही देखने को मिलेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास चैनल ज्यादा अच्छे नहीं आ रहे डीडी फ्री डिश पर, जल्दी बहुत सारे चैनल मिलेंगे। आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी दोस्तों, थैंक यू।